अब हम स्टेबिलिटी कैलकुलेशंस देखते हैं। हम कंसीडर करते हैं 1 मीटर लेंथ ऑफ वॉल, हॉरिजॉन्टल एक्टिव प्रेशर एट द बेस ऑफ द वॉल मिलेगा हमें के इंटू एच। के ए हमने फाइंड किया था 1/3 / 18 / h है 6.7 मीटर। तो हमें हॉरिजॉन्टल एक्टिव प्रेशर एट द बेस ऑफ द वॉल मिलेगा 40.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो आप इस फिगर में देख रहे हो के इंटू गामा इंटू एच हमें मिला 40.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम रिटेनिंग वॉल पर कितने हॉरिजॉन्टल लोड्स लग रहे हैं वो फाइंड करते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हो रिटेनिंग वॉल पर हॉरिजॉन्टल फोर्स यहां लग रहा है जो होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट है 6.7 मीटर, बेस पर प्रेशर लग रहा है 40.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा h/3। तो यही हमने किया है। लोड टाइप है एक्टिव अर्थ प्रेशर, हॉरिजॉन्टल लोड लगेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमें हॉरिजॉन्टल लोड मिलेगा 134.67 किलो न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए हमें मिलेगा h/3, h है 6.7 मीटर, यानी कि 6.7 / 3 करेंगे तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा 2.23 मीटर, यानी कि मोमेंट अबाउट ए हमें मिलेगी। लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 300.31 किलो न्यूटन इंटू मीटर। आप अपने कैलसी से चेक कर सकते हो 134.67 / 2.23 करोगे तो आपको मोमेंट मिलेगी 300.31 किलो न्यूटन इंटू मीटर, यानी कि टोटल हॉरिजॉन्टल लोड लगेगा 134.67 किलो न्यूटन और मोमेंट मिलेगी 300.31 किलो न्यूटन इंटू मीटर, यानी कि स्लाइडिंग फोर्स हमें मिलेगा 134.67 किलो न्यूटन जो इस डायरेक्शन में लगेगा और ओवरटर्निंग मोमेंट हमें मिलेगी 300.31 किलो न्यूटन इंटू मीटर जो मोमेंट अबाउट ए है। यहां आप देख सकते हो ये पॉइंट ए, यानी कि इस तरह से मोमेंट मिलेगी हमें। हॉरिजॉन्टल लोड्स देख लिए, अब हम वर्टिकल लोड्स फाइंड करते हैं। डेंसिटी ऑफ कंक्रीट है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और डेंसिटी ऑफ सोइल है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इस फिगर से आप देख सकते हो वर्टिकल लोड हमें मिलेगा W1, W2, W3, W4 और W5, यानी कि 5 टाइप के वर्टिकल लोड रिटेनिंग वॉल पर लग रहे हैं। सबसे पहले हम स्टेम पर जो वर्टिकल लोड लग रहा है W1 वो फाइंड करते हैं। W1 पर लोड लगेगा विड्थ इनटू हाइट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ कंक्रीट करेंगे तो हमें W1 का लोड मिल जाएगा। विड्थ है 0.2 मीटर और हाइट है 6.2 मीटर, मल्टीप्लाइड बाय हम डेंसिटी ऑफ कंक्रीट करेंगे तो यही हमने किया है 6.20 मल्टीप्लाइड बाय 0.20 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ कंक्रीट जो है 25। तो हमें वर्टिकल लोड मिलेगा W1 का 31 किलो न्यूटन। अब हम उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते हैं फ्रॉम ए से। W1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा टोल विड्थ जो है 1.20 मीटर प्लस ये वाला डिस्टेंस प्लस 0.2 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 0.1। यहां बेस की डेप्थ हमने फाइंड की थी 0.45 मीटर जो हमने यहां फाइंड की थी। 0.45 में से हम 0.2 माइनस करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी यहां तक जो होगी 0.25, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा पॉइंट ए से 1.20 प्लस 0.25 प्लस 0.1। यही हमने किया है। 1.2 प्लस 0.25 प्लस 0.1 करेंगे तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा 1.55 मीटर। लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेंगे
तो हमें मोमेंट मिलेगी 48.05 किलो न्यूटन इंटू मीटर। उसी तरह हम डब्ल्यू टू लोड फाइंड करते हैं, यह राइट एंगल है इसीलिए लोड लगेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट करेंगे। तो यही हमने किया है, 1/2 इंटू बेस है 0.25 मीटर, मल्टीप्लाइड बाय हाइट है 6.2 मीटर, मल्टीप्लाइड बाय हम 25 करेंगे तो हमें वर्टिकल लोड मिलेगा 19.375 किलो न्यूटन। अब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते हैं, W2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें मिलेगा 1.2 प्लस 2/3 ऑफ बेस करेंगे, 1.2 प्लस 2/3 ऑफ 0.25 करेंगे तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा 1.37 मीटर। और लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेंगे तो हमें मोमेंट मिलेगी 26.54 किलो न्यूटन इनटू मीटर। उसी तरह हम बेस स्लैब पर W3 लोड फाइंड करते हैं, यह बेस स्लैब और उस पर लोड लग रहा है W3। बेस स्लैब की विड्थ है 4 मीटर मल्टीप्लाइड बाय हम थिकनेस करेंगे 0.5 मीटर मल्टीप्लाइड बाय हम डेंसिटी ऑफ कंक्रीट करेंगे तो हमें वर्टिकल लोड मिल जाएगा। यही हमने किया है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.50 मल्टीप्लाइड बाय 25 तो हमें बेस स्लैब पर वर्टिकल लोड मिला 50 किलो न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 4/2 यानी कि 2 मीटर और मोमेंट हमें मिलेगी 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो हमें मोमेंट मिलेगी 100 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब हम शियर की पर W4 का वर्टिकल लोड फाइंड करते हैं, शियर की विड्थ हमने प्रोवाइड की थी 0.45 मीटर और डेप्थ हमने प्रोवाइड की थी 0.5 मीटर यानी कि 0.45 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मीटर करेंगे मल्टीप्लाइड बाय हम डेंसिटी ऑफ कंक्रीट करेंगे तो हमें शियर की पर वर्टिकल लोड W4 मिल जाएगा। तो यही हमने किया है, 0.45 मल्टीप्लाई बाय 0.50 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे तो हमें लोड मिलेगा 5.625 किलो न्यूटन। अब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते हैं, शियर की का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 1.20 प्लस 0.45 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा। तो यही हमने किया है, 1.2 प्लस 0.45 डिवाइड बाय 2 तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिला 1.425 मीटर और मोमेंट हमें मिलेगी 8.02 किलो न्यूटन इनटू मीटर। अब हम वर्टिकल लोड W5 फाइंड करते हैं, वर्टिकल लोड W5 रिटेनिंग वॉल पर यहां हम बैकफिल प्रोवाइड करेंगे उसके कारण लगेगा, बैकफिलिंग का एरिया होगा विड्थ ऑफ हिल स्लैब की जितनी विड्थ है मल्टीप्लाइड बाय हम हाइट करेंगे 6.20 मीटर तो हमें बैकफिल का एरिया मिल जाएगा यहां तक का, मल्टीप्लाइड बाय हम डेंसिटी ऑफ सोइल करेंगे जो हमें दी हुई है 18 तो हमें वर्टिकल लोड W5 मिल जाएगा। तो यही हमने किया है, 2.35 मल्टीप्लाइड बाय 6.2 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ सोइल करेंगे तो हमें वर्टिकल लोड मिलेगा 262.26 किलो न्यूटन। अब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें मिलेगा तो स्लैब की विड्थ है 1.2 मीटर प्लस 0.45 मीटर करेंगे प्लस हम 2.35 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा। तो यही हमने किया है, 1.2 प्लस 0.45 प्लस 2.35 डिवाइड बाय 2 तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिला 2.825 मीटर और मोमेंट हमें मिलेगी 740.88 किलो न्यूटन इंटू मीटर यानी कि टोटल वर्टिकल लोड हमें मिलेगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5 करेंगे तो हमें टोटल वर्टिकल लोड मिलेगा 368.26 किलो न्यूटन जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा।
और टोटल मोमेंट हमें मिलेगी 923.49 किलो न्यूटन इंटू मीटर, जो इस डायरेक्शन में लगेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगी। यानी कि टोटल डाउनवर्ड लोड हमने फाइंड किया 368.26 किलो न्यूटन इंटू मीटर, और रेजिस्टिंग मोमेंट और रिस्टोरिंग मोमेंट हमने फाइंड की 923.49 किलो न्यूटन इंटू मीटर।